भिवंडी में दो मंजिला इमारत धराशायी मलबे में दबने से एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। भिवंडी के खाड़ी पार इलाके में शान होटल के ठीक सामने मूलचंद कंपाउंड में ग्राउंड प्लस टू एक 30 से 35 साल इमारत का पहला माला नीचे बनाए गए 8 दुकानों पर धराशायी हो गया। इन 8 दुकानों में से एक दुकान में 35 वर्षीय माजिद हबीब अंसारी की कपड़े की दुकान थी और रात में दुकान बंद कर वो अपनी दुकान में ही सोए हुए थे। उसके ऊपर इमारत का मलबा गिरने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इमारत का एक हिस्सा सुबह भोर में तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ताश के पत्तों की तरह इन दुकानों पर धराशायी हो गया। इस इमारत में कई गोडाउन और ऑफिस भी थे जिसमें कच्चा माल तैयार होकर रखा जाता था। कि हालात देखकर तो ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि इमारत जर्जर और खस्ताहाल होती चली गई थी, लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस जर्जर इमारत को कोई नोटिस दिया हुआ था, इसका संज्ञान लिया था, इससे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर निजामपुर पुलिस स्टेशन और पुलिस अधिकारी दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद मलबे में दबे एक शख्स का शव बाहर निकालकर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसे भेज दिया है और आगे निजामपुर पुलिस स्टेशन इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है।